करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 26। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो पहले आप इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर मिले तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है, यानी इस पूरे पैराग्राफ में जो मैं शब्द आया है वो कौन है, कौन अपने लिए मैं का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आंसर देखते हैं। वह अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ मैं का प्रयोग महात्मा गांधी जी के लिए किया गया है, ठीक है, यानी जो यहाँ पे मैं बोल रहे हैं वो कौन है, गांधी जी है। चलिए आगे पढ़ते। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए, तो क्या चीज चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में ये प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए, तो कितने वर्ष तक की उन्होंने कहा था करने को, एक वर्ष के लिए है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में ये प्रयोग एक वर्ष तक किया जाए, कितने वर्ष तक, एक वर्ष तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, मेरे अनुमान में भूल भी हो सकती है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि मेरे अनुमान में भूल भी हो सकती है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने ये अनुमान जल्दी में लगाया था, ठीक है, और इसके अलावा उन्हें खाने पीने का भी ध्यान नहीं था कि इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए उनके अनुमान में भूल भी हो सकती है। तो आप वैसे इतने ही आंसर लिखेंगे, अगर वो सब लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा आंसर, तो बस आप इतने ही लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया, ये आपकी एक एक्टिविटी है, गतिविधि है। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दोना, खाट बुनना चाहे तो कर सकते हैं, यानी ऐसे छोटे मोटे काम भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि किसी सरसों का तेल निकालना, या फिर और भी बहुत मुश्किल मुश्किल काम है जैसे घर बनाना, जैसे फ्रिज ठीक करना, जैसे कोई प्रेस वगैरह ख़राब हो जाए उसको सही करना, तो ये चाहकर भी हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला बात हो जाती है ना, तेली का काम तमोली नहीं कर सकता, ठीक है। इससे इसके क्या कारण रहे होंगे, यानी क्यों नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि एक तो हम छोटे हैं अभी, और दूसरी चीज़ ये कि हर काम अगर हर कोई करने लगेगा तो फिर जो बेचारे उस चीज़ के एक्सपर्ट है उनका जीवन कैसे गुजरेगा, है ना। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है उसी में, उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं या कभी जिंदगी में आगे करना चाहते हैं। तो चलिए इसके अब देखिए, यहाँ वैसे ये आंसर क्योंकि गतिविधि है, ये आपको अपने हिसाब से ही करना है कि ऐसे कौन कौन से काम है जो आप कभी भी चाहकर नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे कौन से काम है जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, उन्हें आप सीखना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको छोटा सा हिंट के लिए आंसर बता देती हूँ। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि हम टीवी नहीं सही कर सकते, सिलाई नहीं कर सकते, है ना, घड़ी नहीं सही कर सकते, ये सारे काम ऐसे हैं जो हम कभी भी खुद नहीं कर सकते, बड़े होके सीख जाए वो अलग बात है, ठीक है। और जो बड़े होके सीखना चाहते हैं वो ये कि खाना पकाना और दूसरा रोटी बनाना, क्यों? क्योंकि रोटी बनाना तो मुझे आज भी गोल नहीं आता है, ठीक। तो इस तरह से ये है कि आप लोग इसे कर सकते हैं आसानी से, जो जो चीज़ें आपको पसंद है, जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, जैसे सिलाई सीखना चाहते हैं, या जो बच्चे लड़के हैं इसमें जो देख रहे हैं वीडियो, तो वो क्या सोचते होंगे कि हम भी बैट बॉल खेलें धोनी की तरह खूब अच्छे से, है ना, या फिर और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप लोग बड़े होके करना चाहते हैं, तो आप उनका नाम यहाँ लिखेंगे जो काम आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं कि हम कंप्यूटर चलाएं, या इंग्लिश बहुत अच्छी बोलना सीखना चाहते हैं, तो जो काम आप सीखना चाहते हैं उनको लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।